आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सेल का वो है मैक्रोज। तो बेसिकली मैक्रोज ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? आप व्यू में जाओगे वहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है मैक्रोज। ठीक है, बाकी इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस एफिट। तो ऑल्ट के साथ एफिट आप रेक्स कर सकते हो। अब मैक्रोज में क्या है, ऑप्शन आ रहे हैं व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। तो होता क्या है मैक्रोज, अभी क्या होता है, जैसे आपने एक कोई टेबल बनाई, तब क्या होता है उस केस में, आपको दूसरी जगह, क्योंकि एक्सेल में तो सारा काम ही टेबल का है। अब आप कोई डेटा समझ रहे हो या रोज मैं आपको बता रही हूँ कोई भी डेटा, तो बार बार हमें सेम डेटा की नीड है। तो क्या प्रोसीजर है कि मैं एक बार उस डेटा को बना लूँ और कॉपी पेस्ट करती रहूँ, ये भी एक ऑप्शन है। और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप मैक्रोस के थ्रू उस डेटा की क्या कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। यानी कि आप एक बार रिकॉर्ड कर लोगे तो क्या होगा, वो डेटा विद इन सेकेंड आप जैसे प्ले करोगे आप देख भी नहीं पाओगे, उतनी देर में वो परफॉर्म हो जाएगा। यानी कि मैक्रोस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हम किसी की बात होती है, कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने का बेनिफिट यही है कि हम उस चीज़ को बार बार प्ले कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा कोई स्टेप स्किप हो रहा होता है तो हम उसको सही से कर पाते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे होते हैं तो डिफरेंस होता है। तो मैक्रोज में भी हमें रिकॉर्डिंग ही करनी है। तो हमें स्टार्ट करी हूँ मैक्रोज, इसमें ऑप्शन आ रहा है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। तो अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, रिकॉर्ड मैक्रो पे। रिकॉर्ड मैक्रो में आप देखो ये ऑप्शन ओपन हो गया, मैक्रो नेम। अब आपको कोई मैक्रो का नेम रखना है तो आपने लिख दिया टेबल, मतलब टेबल क्रिएट करनी है आपको। यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो, जैसे कंट्रोल प्लस पी, कुछ भी बना दिया एग्जांपल। अभी मैं नहीं बना रही हूँ। अब वो ये कह रहा है स्टोर मैक्रो इन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक के लिए, दिस वर्कबुक के लिए। तो अभी पर्सनली रहने देते हैं, ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद इसमें मैंने क्या लिया, रोल नंबर, एक टेबल बनाई, नेम और फीस। फिर मैंने कुछ एंट्री करी, 1 2 3, यहाँ पे कुछ नेम दिया, फिर दूसरा नेम दिया, देन थर्ड नेम दिया, उसके बाद कुछ उसकी फीस दी, देन नेक्स्ट की फीस दी। तो इस तरह से मैंने एक टेबल बनाई। तो इस तरह से मैंने एक्शन परफॉर्म किया, मैक्रोस पे क्लिक किया और किस पे क्लिक कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यानी कि जो मैंने अभी किया, मैंने एक टेबल क्रिएट करी सिंपल, एक अब बन गई वो टेबल। अब मुझे यही टेबल बार बार चाहिए। मैंने तो 3 स्टूडेंट का डेटा लिखा है, आपको 5 की नीड हो 5 का बना सकते हो, 10 की नीड हो 10 का बना सकते हो। अब मैं शीट 2 पे आ गई, मैं शीट 2 का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, एक सेकेंड, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। अब मुझे उसी टेबल की नीड है, तो कैसे करना होगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैक्रोस पे क्लिक करो। अब आप पहले क्या कर रहे थे, आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जैसे अभी हम कर रिकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, वो टेबल चाहिए मुझे, मतलब इस शीट पे आ गई, मुझे ये टेबल चाहिए। मैंने व्यू मैक्रो पे किया, आई थिंक, एक सेकेंड, ये हुआ नहीं मुझे लगता है, रन हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने रन पे क्लिक किया देन वो टेबल दोबारा बन गई, आप देख सकते हो। शीट 1 पे थी वही टेबल क्या हो गई, शीट 2 पे हो गई। यानी कि जब आप मैक्रोज परफॉर्म करोगे तो वही रिकॉर्डिंग आपको प्ले करनी होगी। तो रिकॉर्डिंग तो एक बार की, अब मुझे शीट 3 पे जाना है, मैं अगेन शीट 3 पे चले जाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, देख सकते हो, और मैं क्या करूँगी, इसको व्यू मैक्रोज पे जाके रन करा दूंगी। तो वही टेबल देखो यहाँ पे बनाई गई थी। अब फायदा क्या है, अब मैंने एक बार रिकॉर्डिंग कर ली तो अब मैं उसको कितनी भी बार परफॉर्म कर सकती हूँ। तो ये तो है मैक्रो। मैं मैक्रो के साथ आपको इसमें एक और ऑप्शन भी बताती हूँ। अभी आपने ये देखा होगा फ्रीज पेंस, इसका वर्क क्या है, सपोज करो हम कोई एंट्री कर रहे हैं, यहाँ मैंने स्टूडेंट का लिया रोल नंबर, यहाँ लिया नेम और यहाँ लिया फीस, और उसके अलावा सोचो मदर्स नेम, फादर्स नेम, में कुछ भी एंट्री कर रहे हैं, मार्क्स। तो बेसिकली क्या हुआ, रोल नंबर लिया 1 2 3, मैं इस तरह से लेती जा रही हूँ।
अब देखना थोड़ा सा, मैंने यहाँ तक ले लिया, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे नेम ले लिया, इस तरह से नेम है, मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ, आप देखना। जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ 17 पे, तो मुझे ये दिखना बंद हो जाता है कि ऊपर क्या है। अभी रोल नंबर, नेम और फीस में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगा कि मदर नेम है, फादर नेम है या फ़ोन नंबर है। कई बार होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप, मैं एक शिफ्ट कर रही हूँ उसको, अब आप इसमें जाओगे फ्रीज पेंस, अब मैं लिख दूंगी तो एक्चुअली परफॉर्म नहीं होगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, इसको डिलीट ही करना पड़ेगा मुझे वापस। मैं ये चाहती हूँ रोल नंबर, नेम और फीस ये लिखा हुआ रहे, बाकी मैं ड्रैग करती रहूँ। जैसे यहाँ नेम है सपोज ए बी, कुछ भी ऐसे नेम है, मान के चलते हैं नेम्स है। अब मैं यहाँ आ गई, तो अब मुझे दिखना बंद हो गई फर्स्ट वाली रोज, तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट करती हूँ और फ्रीज पेन पे जाती हूँ। इसमें आ रहा है फ्रीज टॉप रो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो रोल नंबर नेम फीस अभी भी आ रहा है, चाहे मैं कितनी भी नीचे चली जाऊँ, देख रहे हो ये लाइन दिख रही है आपको, तो इसने क्या कर दिया, रो को फिक्स कर दिया, वो मूव नहीं होगी, आप चाहे कितना भी नीचे मूव हो। उसके नेक्स्ट क्या है, ये बात समझो। यहाँ पे मैं फ्रीज पेंस पे जा रही हूँ, अनफ्रीज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, मैं इसको दूसरी टेबल बनाती हूँ, जैसा मैं इस आप लोगों के नेम में करती हूँ, स्टूडेंट के नेम में करते हैं। मान लो स्टूडेंट का नेम है अमित, अमन, वानी, नेहा, मेघा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये सारे नेम हैं, अब मैं इनकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ सपोज, या कुछ भी उनके बारे में लिखती हूँ, प्रेजेंट, एब्सेंट, इस तरीके से। अब कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, एब्सेंट लगाते लगाते फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी, अब मुझे नाम ही दिखने बंद होगा, मैं क्या करूँ। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, इसको फ्रीज पेंस में जाके फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखो, अब मैं सबकी प्रेजेंट लगा रही हूँ सपोज, इसकी प्रेजेंट, प्रेजेंट मैं एक ही की लगा के दिखा रही हूँ आपको, इससे आपको अंदाज़ा हो। अब एब्सेंट हो गई, अब मैं नेक्स्ट चली गई, लेकिन क्या ये नेम आ रहा है ना, सोचो अगर ये नहीं होता तो मुझे तो कन्फ्यूज़न हो जाता कि मैं नेहा की लगा रही हूँ या वानी की लगा रही हूँ। तो दैट मीन्स फ्रीज पेंस क्या करता है, आपकी जो रो हो टॉप वाली, क्योंकि टॉप वाली को कंटिन्यू रखना है, या फिर आपका जो है फर्स्ट कॉलम हो, उसको फ्रीज कर देता है, आप चाहे शीट में कितना भी मूव कर लें। तो इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए, फर्स्ट मैक्रोस और नेक्स्ट हमारा फ्रीज पेंस। बाकी का पूरा हमने एक्सेल की सारी चीज़ें वीडियोज़ में डाल रखी।